दस्तरखान रेसिपी हब में आपका स्वागत है। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट रेसिपी आपसे मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ट्रेडिशनल चुंगे की रेसिपी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, बिल्कुल बारीक वाला आटा आता है, उसे हमें लेना है अच्छे से छानकर। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, ऐड करेंगे इसे। अब साथ ही में ऐड करेंगे 1/2 कप ऑयल, आप यहाँ पर ऑयल की जगह घी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। देखिए ऑयल को मैंने आटे में अच्छे से मिक्स कर लिया है, इस तरह मुट्ठी में बंधना चाहिए, ऐसा हमें इसमें मौन ऐड करना है। अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका स्मूथ डो रेडी करेंगे। जैसे हम पूरियों का डो रेडी करते हैं, बस उसी तरह का हमें डो रेडी करना है। तो चलिए यहाँ पर मैंने डो रेडी कर लिया है, अब इस पर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे से मसल लेंगे इसे। इतना डो रेडी करने में मैंने 1/2 कप के करीब पानी का यूज किया है। चलिए इसे ढककर रखते हैं 10 मिनट के लिए साइड पर। 10 मिनट हो गई है, डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है, एक बार इसे मसल लेते हैं। इतने डो से हम 2 टाइप के चुंगे रेडी करेंगे। जितनी साइज के आपको चुंगे रेडी करना है उतना पोर्शन हाथ में लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट डो रेडी हुआ है, अच्छे से प्रेस करते हुए इसकी हम लोई बनाएंगे। देखिए बेलने से पहले हम इसे अच्छे से प्रेस करके इसकी लोई बनाएंगे ताकि ये साइड से फटे नहीं, और इसकी हमें पूरी बेलना है। बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलेंगे, इसे ठीक रखेंगे। देखिए इतनी थिकनेस रखना है हमें। इसी तरह हम सारी पूरियां रेडी करेंगे। यहाँ पर ये जो चुंगे हम बना रहे हैं इसे हम सेक कर बनाएंगे और हाथ से इस पर डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी पूरियां बेल ली है, अब हम इसे सेकेंगे। तो पैन को मैंने गर्म कर लिया है, मीडियम फ्लेम पर हमें इसे अलट पलट करके अच्छे से सेक लेना है। फ्लेम ज्यादा हाई ना रखें वरना अंदर से कच्चे रहेंगे। बहुत ही मजेदार चुंगे रेडी होते हैं। ये चुंगे मीठे दही के साथ खाए जाते हैं, खीर के साथ भी खाए जाते हैं, और श्रीखंड के साथ तो इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है, आप जरूर से ट्राई करें। इस तरह प्रेस करते हुए हमें इसे अच्छे से सेक लेना है। चलिए रेडी है, इसे हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा गर्म है, और इस तरह हमें गर्म गर्म पर ही डिजाइन बनानी है हाथ से। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दोनों हाथ यूज किए हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्म है। अगर आप इसे ठंडा होने के बाद डिजाइन बनाएंगे तो वो सही से नहीं बनेगी, तो ये प्रोसेस आपको बहुत ही फास्ट करनी है। आप अपनी मनचाही डिजाइन इस पर बना सकते हैं। तो इसी तरह हम सारे चुंगे रेडी करेंगे। ये हल्के से गर्म है तभी हमें इस पर शुगर ऐड करनी है। तो
चलिए यहाँ पर मैंने सारे चुंगे रेडी कर लिए हैं, इस पर हम घी ऐड करेंगे। ये चुंगों को आप एयर टाइट डब्बे में रखकर 2 दिन तक बाहर रख सकते हैं और फ्रीज में 3 से 4 दिन तक इसे रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बनाएंगे दूसरे टाइप के चुंगे। तो यहाँ पर मैंने चुंगा दानी को ऑयल से ग्रीस कर ली है, आप इसे इस तरह भी बेलकर बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे पूरी की तरह पहले बेलूंगी। अब इस पर हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे, आटा डस्ट करेंगे इस पर और इसे फोल्ड करेंगे इस तरह। इस तरह करने से बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता हमारे चुंगे रेडी होंगे। देखिए इस तरह इसे फोल्ड करना है। अब हम इसे बेलेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से इसे हमें बेलना है और बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलेंगे, इसे भी थोड़ा थिक रखेंगे। देखिए इस तरह सारे चुंगे हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पर चुंगों को मैंने बेल लिया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है, इसे गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई करना है। बहुत ही मजेदार रेसिपी है, जरूर से ट्राई करें। और अगर आप नए हैं मेरी चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चुंगे हमारे फ्राई हो गए हैं, इसे ऑयल से निकाल लेते हैं। हल्के से ठंडे होने के बाद इस पर हम शुगर ऐड करेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसे निकाल लेंगे इस तरह। अब इस पर भी हम घी ऐड करेंगे। ये चुंगों को आप एयर टाइट डब्बे में रखकर 1 वीक तक रख सकते हैं। तो लीजिए बहुत ही मजेदार टेस्टी और हेल्दी चुंगे हमारे रेडी हैं, जरूर से ट्राई कीजिएगा। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।